शाहरुख खान और राजू हिरानी की फिल्म डंकी का काम इस वक्त फुल स्विंग चालू है। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है तब से फिल्म से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जानने के इंतजार में हैं किंग खान के फैंस। इस वक्त फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल शाहरुख हिरानी ने अपनी फिल्म में एक साउथ चेहरे की एंट्री करवाने का मन बना लिया है, जो है तो काफी यंग लेकिन काफी टैलेंटेड भी है। हालांकि बातचीत अभी काफी इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन हिरानी इस कोलैबोरेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये डील डन हो सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ हम किस चेहरे की बात कर रहे हैं, फिल्म में उनका क्या रोल होगा, वो फिल्म में अपने टैलेंट से कैसे चार चांद लगाने वाले हैं, उन्हें किस डिपार्टमेंट के लिए अप्रोच किया गया है, ये सारी अपडेट आपको डिटेल में बताते हैं। वेल, यहाँ हम तमिल एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश कुमार की बात कर रहे हैं, जिन्हें डंकी में एज अ म्यूजिक कंपोजर अप्रोच किया गया है। हालांकि ये बातचीत किस स्टेज पर पहुंची, अंदर क्या चल रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रोडक्शन के लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है कि जीवी प्रकाश के साथ शाहरुख और राजू हिरानी की बातचीत अभी ऑन है। अब प्रकाश और राजू हिरानी का ये कोलैब होता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले प्रकाश ने जोकर और अगली मूवीज जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है। इसके अलावा उन्हें सुनाराय पुट्रू के हिंदी रीमेक के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। और अगर प्रकाश डंकी का हिस्सा बनते हैं तो ये खुद को एक पैन इंडिया म्यूजिक कंपोजर के रूप में चेंज करने की उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। बता दें कि जीवी प्रकाश कुमार कॉलीवुड इंडस्ट्री के एक वाइब्रेंट कंपोजर हैं और उन्होंने कई सुपरहिट एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर दिए हैं। इतना ही नहीं, जीवी प्रकाश कुमार कई फिल्मों में लीड रोल भी निभा रहे हैं और उनके पास कई सारी ऐसी फिल्में तमिल भाषा में लाइनअप है जिसमें वो एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में नजर आने वाले हैं। ऐसे में अगर वो हिरानी और शाहरुख की फिल्म के साथ जुड़ते हैं तो दोनों को ही काफी कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलने वाला है और एक दूसरे के टैलेंट से शाहरुख की फिल्म को बम्पर फायदा जरूर मिलेगा। बता दें कि शाहरुख खान ने एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया कि वो राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म करने जा रहे हैं, जो मुन्ना भाई, MBBS, संजू, थ्री इडियट्स और PK जैसी फिल्में बना चुके हैं। इस मजेदार वीडियो में SRK और हिरानी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके पास एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम डंकी है। हालांकि नाम को सुनकर शाहरुख भी कंफ्यूज नजर आते हैं, मगर हिरानी के साथ काम करने के लिए वो इतने एक्साइटेड हैं कि कहते हैं जो मिल रहा है वो ले लो। आपको बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट तापसी पन्नू नजर आने वाली है। ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।